दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़े हुए प्रदूषण के कारण सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेशों पर बंद हुई औद्योगिक इकाइयों के उद्योगपतियों के अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों से क्रिसमस के मौके पर आए ऑर्डर अब कैंसिल होने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण अकेले गुरुग्राम के एक जगह स्थापित 20 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकों को पिछले 20 दिनों में करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और उनके निर्यात ऑर्डर अब बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम आदि देशों के उद्यमियों को शिफ्ट कर दिए गए हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा कपड़ा इज नॉट कमिंग ऑन टाइम एक्चुअली, सो वी आर यू कैन सी द लॉट ऑफ मशीन्स आर आइडली हियर, लॉट ऑफ मशीन्स आर आइडली सिटिंग एंड वी आर नॉट एबल टू मीट द डिलीवरीज ऑन टाइम बिकॉज दिस इज अ फेस्टिव सीजन इन यूके एंड डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, यू ऑल नो। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, हमको डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहे इनको, सो इसलिए हमको बायर इज़ नॉट गिविंग मोर ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन एक्चुअली। लेबर भी परेशान है, लेबर परेशान है, तो हमको प्रॉब्लम क्या है, कपड़ा टाइम पे नहीं आया तो लेबर दूसरा जगह पे जाएगा काम ढूंढ के एक्चुअली। सो अभी लेबर तो रिटेंशन करने के हमको मुश्किल हो रहा है, हमको दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम नाउ एक्चुअली, एंड यू ऑल नाउ इट्स ऑल टाइम बाउंड इंडस्ट्री है एक्चुअली। हमको ऑर्डर्स तो मिलेगा, 60 दिन में डिलीवरी करना पड़ेगा हम, सो हम इसलिए हम 20 दिन 25 दिन हम इसमें वेस्ट हो गया तो हमको सिर्फ मिलेगा 30 दिन है, बाद में हम इधर से एयर में भेजना पड़ेगा। अगर आप मेरी माने, मैंने दिल्ली में एनसीआर में कई लोगों से बातचीत की थी, जहां मुझे पता चला अगर हम डेटा 20 से 25 इंडस्ट्रीज़ का लेते हैं तो करीब करीब ये 20 दिन के बंद होने से 1000 से 1500 करोड़ रुपये का नुकसान इस इंडस्ट्री को हुआ है, और उसके अलावा बाहर से आगे क्या नुकसान होगा इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सारी इंडस्ट्री इस समय एयर शिपमेंट भेजने को तैयार है, और एयर शिपमेंट में आपको पता ही है एक गारमेंट का कॉस्ट 100 रुपये एयर शिपमेंट में आता है, तो इतना नुकसान। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट और चीज़ होती है, क्योंकि ये समाज सभी लोगों का है, सब लोगों को समाज में सहयोग देना चाहिए, तो सिर्फ उद्यमी ही क्यों इस समाज में वो हो, आज गवर्नमेंट की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है सड़क पर से प्रदूषण कम करना, मिट्टी को ना उड़ने देना, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वो सारा मिला जुला के उद्यमी के ऊपर थोप दिया है। और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि बायर आज जब बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम जा रहा है तो उसका जाने का कारण भी समझ में आता है कि हम बायर की रिक्वायरमेंट को टाइम से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होता है।